सरकार की नाकामी होगी ये, जब पीछे से तो बता रहे थे कि कच्चा तेल बहुत रेट डाउन जा रहा है बाहर, और ये फिर भी रेट पर रेट बढ़ाई जा रहे हैं, इसमें सरकार की नाकामी होगी कुछ। पर आप क्या असर पड़ रहा है? हम पर बहुत असर पड़ रहा है, जहाँ हमारा 500 रुपये में हमारा तेल चल जाता था 15 दिन, अब 10 दिन ही चल रहा मुश्किल से। तो सरकार को वही लॉकडाउन का असर पड़ रहा है, वो सोच रही है इसमें पेट्रोल इतना सस्ता है, पीछे से आप सबको पता है, बस जान बूझ के बढ़ाया जा रहा था कि भैया वो करंसी पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ से लॉकडाउन में लोगों को गरीबों को जितना सस्ता करे उतना बेनिफिट था, पेट्रोल रोजमर्रा की चीज़ है, मैंडेट चीज़ों को सस्ता ही करना चाहिए, गेहूँ चावल इन पर असर ना पड़े, बाकी लग्जरी चीज़ों पर 28% GST ले रखा है, जरूरत ही नहीं उसके अब, और उसके बाद यदि पेट्रोल इन पर यदि GST करेंगे तो दिक्कत होगी, तो हर आदमी को 100 kg या 150 का पेट्रोल लगेगा, 50 का पड़े इसमें तो 50 रुपये अपने वहाँ के जिए कहीं ना कहीं तो निकालेगा, घर पर असर पड़ेगा उसके, घर पर खाने पीने में चीज़ें कम करेगा, फिर उसकी जो कोरोना टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाओ तो इम्यूनिटी कम होगी उसकी, बढ़ेगी नहीं, आदमी को 100 खर्च करना होगा तो वहाँ पे 50 करेगा, क्योंकि 50 को पेट्रोल के लिए एक्स्ट्रा डाल। सब चीज़ें देखी जा रही है इसमें, लेकिन हर जगह जब बाहर के भी सब लड़ाई हो रही है तभी देखा जाएगा, तो इधर से थोड़ा बहुत इसमें महंगा हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब सरकार के लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना।